देवियों सज्जनों, आज के इस शो में हमारे बीच एक बहुत ही खास सदस्य आने वाला है जिसका नाम है डोरेमोन। ये 22वीं सदी से आए हुए एक नीले मोटे रंगोली से दिखने वाला जीव है। चलिए तो शो को शुरू करते हैं। तो डोरेमोन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अरे अरे अरे, नीला रुकून डॉग किसको बोल रहा है? हम अपने 21वीं सदी का सबसे फिट डोरेमोन है। ज्यादा बोलेगा तो स्मॉल लाइट से छोटा कर दूंगा, समझा? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा मत कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो देखो भेजो ना। अरे रुको 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 रुको, तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों है? तुम अदरक चूसा करो, फिर उससे तुम्हारी आवाज सुरीली हो जाएगी। लोग मुझे बड़ी भारी आवाज से ही जानते हैं, मैं कोई अदरक वदरक नहीं चूसने वाला, ठीक है? मेरा एक ही सवाल है, आप घुटनने में क्यों बैठे हैं? तो गर्मी आ चुकी है और मेरा एसी का बजट नहीं है, तो इसलिए मैंने पैंट पहनना छोड़ दिया, और मैं गर्मियों में ऐसा ही करता हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसका आंसर दीजिए। दूसरा, अरे आपने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। अरे डोरेमोन जी, आप श्योर हैं इसके लिए? हाँ मैं एकदम श्योर हूँ, पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा। तुम्हें कैसे पता? बिना क्वेश्चन देखे तुमने आंसर कैसे बता दिया? तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। आपने पहले और दूसरे का आंसर एक साथ दे दिया है। तीसरा प्रश्न बहुत कठिन है, मैं ऑडियंस से कॉल लेना चाहूँगा, ऑडियंस जो बोलेगी मैं वही आंसर बताऊँगा। तो कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस लाइफलाइन शुरू कीजिए। मैं लेना मालूम है, मैं तो मैथ की कॉपी चेक हो रही जा हमारे स्कूल छोड़ के, तब हाजी आओ छुट्टी होती घर चले जाऊंगा। ये मैं इसका आंसर खुद दे देता हूँ, मुझे इसका आंसर पता है, बस टाइम खोटी कर रहा था और कुछ। इसका आंसर चौथा को लॉक कर दिया जाए। इज द राइट आंसर 7 करोड़, आप 7 करोड़ जीत चुके हैं। अब डोरेमोन जी, आप बताइए कि आप हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट बिना देखे कैसे दे रहे थे? पहली टाइम मशीन से देख आए थे कि कौन सा आया है। तो ये तो चीटिंग हुई, तो रूल्स के हिसाब से आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा डोरेमोन जी। ठीक है, मत दो, मैं तुम्हें स्मॉल लाइफ से छोटा कर दूंगा और अपनी पॉकेट में डाल दूंगा, ना खाने को दूंगा ना पीने को दूंगा।